ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जल्दी जल्दी बोल दूं कहीं लेट ना हो जाए, जल्दी जल्दी बोलूं। ये हमारे अंतर का दर्पण होता है, हम इसको देखें, निर्णय लें। यहां से धीरे धीरे अपनी वाणी को नम्र करें। कोई कोई बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं कि उनको समझने के लिए कई बार सुनना पड़ता है। धीरे बाबा बोलते हैं, कई लोग सोच सकते हैं इनका बाबा इतना धीरे धीरे बोलता है। बच्चे, अच्छा, सामने यूपी वाले आए हैं, बाबा बोल रहे हैं, मुरली पूरी हो गई। अच्छा अच्छा, अब क्या करना है? तो वहां पर मुन्नी बहन माइक लेकर बोलती है। तब तक तो बाबा क्या करता है, थोड़े देखता रहता है कि मुन्नी बहन कब खड़ी होगी। नहीं या ना, अब वो खड़ी हो रही है मुन्नी बहन और बाबा दृष्टि दे रहे हैं। बाबा ये उन्नाव वाले आए हैं, इतने लोग आए हैं बाबा। तो बाबा क्या करता है, देखता है इसे। थोड़ी देर के बाद, अच्छा उन्नाव वाले, उठो उठो। इतनी देर के बीच में गैप हुआ, क्या किया बाबा ने? स्वयं अधिपति प्रकृति पति इसमें आता है, अधिकारी बनता है। वाणी पर पूरा कंट्रोल, इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल किसको देता है बाबा? तो ऐसे करता है, हाथ जाता है ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, ऐसे। ये क्रम जैसे लगता है कि क्रेन उठ से उठाया जा रहा है, ऐसे धीरे से, ऐसे जब हम बोलें जब चलें तो हमारी चाल, मैं धीरे चलने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन चल के देखें। कभी दरवाजा बंद करके घरों में, मैं विश्व महारानी हूं, और चलें और अपने आप को देखें कि मैं जब महारानी बनूंगी तो कैसे चलूंगी। चल के देखें, है ना? देखें बाबा कैसे चलते थे। बाबा की चाल भी तेज थी तो फरिश्ता चाल चलते थे, तेज चलते थे, लेकिन उसमें भी देह अभिमान नहीं। और कोई कोई तो बाबा वहां पर है, बच्ची आवाज कैसे हो रही है वहां का? एक बच्चा वो सीढ़ियों से कूदता हुआ, बंदरों की तरह कूदता हुआ जा रहा था। कोई कोई चलते हैं तो खट फट उनके चार पांव के लगता है घोड़े की चाल चल रहे, घोड़ा खट 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 वो बोलते। हमारे हर कर्म में दिव्यता हो, हमारी वाणी में, हमारे कर्म में। खाना खा रहे हैं, खाना तो खाने की चीज है, लेकिन कोई कोई इतना ज्यादा आवाज करते हैं मुंह से भी आवाज आती है। कोई कोई चलते चलते भी खटते हैं, हमारी रॉयल्टी क्या है? एक एक कर्म के लिए बाबा ने सिखाया है। अगर उनकी बात एक एक बताऊं तो कई भट्टी हो करनी पड़ेगी, लेकिन आपको यह बताऊं कि चेकिंग का समय, अपने आप को देखो। जितना सम्मान में रहेंगे कि मैं स्वराज अधिकारी हूं, मैं फरिश्ता अवतार हूं, मैं पवित्रता का देवता हूं, हमारे कर्म, हमारा बोल, हमारा व्यवहार, हमारी चलन कैसे होना चाहिए, इतिहास बना रहे हैं, ये भगवान ने बनाया है, उसने सब दिया है। कदम कदम पर बाबा से बातचीत होती रहे। आज मैं अपनी बात बता रहा हूं, सवेरे से पल पल कई बात, बाबा अभी क्या करूं, बाबा अभी क्या बताऊं, बाबा आज क्या करना है, ये बाबा से बात करता हूं। बाबा और मैं इतना नजदीक रहूं कि और सब जो है वो थर्ड पर्सन हो, फर्स्ट मैं और सामने बाबा, बाबा से बात होती रहे। और ये बात इतना अंतरंग होना चाहिए कि जैसे आपका बाबा से इतना क्लोज कनेक्शन कि आपके बिना बाबा नहीं और बाबा के बिना आप नहीं, तब कहेंगे शिव शक्ति हूं। ऐसे कहने कि मैं शिव शक्ति हूं नहीं होते, फील करो मैं शिव शक्ति हूं, शिव बाबा भी मेरे बिना कुछ नहीं कर सकता है, और मैं भी शिव बाबा के बिना कुछ नहीं कर सकती हूं। अगर शिव में से मैं ई स्त्रीलिंग
जो ई कहते हैं, ई निकल जाए तो शिव क्या हो जाता है? शव हो जाता है। शिव भी कुछ नहीं कर सकता है। मैं तो शिव शक्ति हूं, मैं कंबाइंड रूप में हूं, मेरे साथ कौन है, किसने सोचा है? पूरी कायनात लेकर के बाबा ने प्रोग्राम आपके लिए बनाया है। आज से संकल्प करो कि मुझसे ज्यादा भाग्यवान कोई आत्मा नहीं है, कोई भाग्यवान नहीं है। मैं महान भाग्यवान हूं, ये फील करे और मुख से निकलना चाहिए वाह बाबा वाह, वाह बाबा, हाय हाय नहीं, बीमार हो गया हूं, ये हुआ हूं, आह आह खत्म, वाह वाह शुरू। ओम शांति।